इरफान खान और ऋषि कपूर के निधन के सदमे से अभी तक बॉलीवुड उभरा ही नहीं था कि इंडस्ट्री ने एक और अभिनेता को खो दिया। अभिनेता मोहित बघेल ने कैंसर से लड़ते हुए महज 27 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने छोटे से करियर में मोहित अलग अलग कई किरदारों में नजर आए। उन्होंने सलमान खान से लेकर परिणीति चोपड़ा सहित कई नामों के साथ काम किया। मोहित का जन्म 7 जून 1993 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ था। बचपन से ही उनकी दिलचस्पी अभिनय और नाटक में थी। स्कूल के दिनों में वो शो और डिबेट कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करते थे। मोहित ने सबसे पहले कलर्स पर आने वाले शो छोटे मियाँ जो 2008 में आया था उसमें हिस्सा लिया था। इसमें उन्होंने अपनी कॉमेडी और अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया था। दोस्तों, अपने टैलेंट के दम पर मोहित ने जल्दी छोटे पर्दे से बढ़कर बॉलीवुड की ओर कदम बढ़ाया। मोहित बघेल ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2011 में फिल्म रेड्डी से की थी, जिसमें मुख्य भूमिका में सलमान खान थे। मोहित ने रेड्डी में छोटे अमर चौधरी का दमदार किरदार निभाया था। मोहित बघेल फिल्म जबरिया जोड़ी में भी नजर आ चुके हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की मुख्य भूमिका से सजी इस फिल्म में मोहित अहम किरदार में थे। इस फिल्म के डायलॉग राज सांडिले ने लिखे थे। मोहित राज सांडिले को अपना मेंटर मानते थे। मोहित ने निर्देशक तिग्मांशु धुलिया के साथ मिलन टॉकीज की थी। इसमें अली फजल थे। मोहित को फिल्म उमा में जिमी शेरगिल, संजय मिश्रा और ओम पुरी के साथ देखा गया था। एक पोस्ट शेयर कर मोहित ने बताया था कि वो यशराज बैनर की फिल्म बंटी और बबली 2 का हिस्सा होंगे। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उन्होंने मात्र 27 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया।